हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट फूड प्रिजर्वेशन। स्टूडेंट्स, फूड प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, फूड को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है। तो उससे पहले अपन देखते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है, कि फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फूड पॉइजनिंग एंड अनडिजायरेबल चेंज इन कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट इन फूड ब्रॉट अबाउट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फूड पॉइजनिंग। देखो, फूड है उसमें अनडिजायरेबल चेंज होता है उसके कलर में, उसके ऑर्डर में या उसके टेस्ट में। जो भी चेंज होता है उसके नेचुरल, जो भी उसमें नेचुरल कंपोनेंट हो उसमें जो चेंज होता है उसको फूड पॉइजनिंग बोला जाता है। फूड पॉइजनिंग में कोज इन्फेक्शन, सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। फूड पॉइजनिंग से क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, सीरियस इलनेस हो सकती है और लास्ट डेथ तक भी हो सकती है। फूड हैज़ टू बी प्रिजर्व इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, उस फूड को कंटामिनेट होने से बचाने के लिए अपन को फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट इसमें है करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉइल्ड फूड। स्पॉइल्ड फूड है, खराब फूड है, उसके क्या करेक्टर हो सकते हैं। फूड कंटामिनेटेड बाई बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अनफिट फॉर कंजप्शन। देखो, फूड खराब किसके द्वारा किया जाता है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। वो अपने खाने के लिए अनफिट हो जाता है, अपने लिए वो फिट नहीं रहता है। दिस कंटामिनेटेड फूड इज कॉल्ड एज स्पॉइल्ड फूड। इस प्रकार का जो कंटामिनेटेड फूड है वो स्पॉइल्ड फूड कहलाता है। We can detected spoiled food by change in color, stickiness, bad odor and bad taste. देखो, अपन खराब फूड को किस प्रकार पहचान सकते हैं, उसमें बदबू हो सकती है, उसका कलर चेंज हो सकता है, स्टिकनेस हो सकती है। तो इस प्रकार अपन खराब फूड को पहचान सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। देखो, माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो किस प्रकार होती है, फूड में माइक्रोबियल ग्रोथ किस कंडीशन में ज़्यादा होती है और उसको अपन किस प्रकार रोक सकते हैं, उसकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, तो उसे ही क्या बोला जाता है, फूड प्रिजर्वेशन। देखो, फेवरेबल कंडीशन फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म टू बी फेवरेबल कंडीशन, दीज आर स्पेसिफिक बिलो। देखो, ये कौन कौन से कंडीशन हो सकती हैं, ये नीचे दी हुई हैं। तो अब देखते हैं, देखो फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर रिक्वायर्ड, टेम्परेचर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अनुसार मिलता है तो वो ग्रोथ जल्दी करते हैं। मॉइस्चर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स, डिविजन टाइम, कंपटीशन। देखो, ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसकी ग्रोथ के लिए बढ़ाते हैं। जैसे डिविजन टाइम जल्दी बढ़ता है, न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर मिलता है, पीएच उनको प्रॉपर मिल जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो ग्रोथ जल्दी कर पाते हैं। मॉइस्चर मिलता है तो ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, टेम्परेचर मिलता है तो वो ग्रोथ ज़्यादा करते हैं। तो कुछ ये कंडीशन हैं जो फेवरेबल कंडीशन होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। अब नेक्स्ट है, देखो, अब ये तो था फूड पॉइजनिंग और इसके फूड खराब होता है तो उसके कैसे पहचान सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। अब है फूड प्रिजर्वेशन। तो अब इन कारणों से ही अपन को फूड को प्रिजर्व करना जरूरी होता है। फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन ऑर्डर टू स्लो डाउन स्पॉइलेज इज कॉल्ड द फूड प्रिजर्वेशन। देखो, फूड को खराब होने की प्रोसेस को धीरे कर देना, जैसे कोई फूड है वो एक दिन में खराब हो रहा है तो उसको अपन दो तीन दिन चार दिन तक उसको स्टोर रख सके और इसको स्पॉइल होने से बचा लें, तो उसे ही फूड प्रिजर्वेशन बोला जाता है। देखो, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन कौन कौन से हो सकते हैं, केमिकल मेथड हो सकता है, प्रिजर्वेशन बाय विनेगर, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल, सन ड्राइंग, साल्टिंग, पास्चराइजिंग और बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग। ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड हो सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आता है केमिकल। केमिकल मेथड में देखते हैं, साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, अपन फूड प्रिजर्वेशन में केमिकल मेथड में कई तरह के केमिकल्स यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे अपन कोई भी पैकिंग की चीज़ आती है, कोई डिब्बा बंद चीज़ आती है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है कि वो खराब नहीं हो, तो उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए, उसकी कम करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने के लिए, उसको चेक करने के लिए केमिकल यूज करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। तो जो भी चीज़ अपन फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं वो प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। वी एड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। देखो,
एड साल्ट और एसिड्स, कुछ इस प्रकार के एसिड और साल्ट यूज करते हैं, कॉमन साल्ट है, तो उस पिकल्स में, तो उसमें वो लंबे समय तक खराब नहीं हो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। देखो ये याद रखना, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, दीज आर आल्सो यूज इन जैम एंड स्क्वेश टू चेक द स्पॉइलेज, देर स्पॉइलेज उसकी खराब होने से बचाने के लिए इसको यूज करते हैं। देखो सेकेंड है प्रिजर्वेशन बाई विनेगार, ये भी एक तरह से केमिकल मेथड ही है। इज डन बाई एडिंग विनेगार एज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन सोर एनवायरमेंट प्रोवाइडेड बाई द सेम। देखो विनेगार मिलाने से जो एनवायरमेंट वो थोड़ा सोर हो जाता है कोई भी चीज़, तो उसमें इजीली माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। प्रिजर्वेशन बाई कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट हैज बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेज। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। साल्टिंग एंड आल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रा, मैंगो ए टेमरिंड। देखो क्या है कि फिश जैसी कुछ चीज़ें हैं या मीट है, उसको साल्ट से यूज करके, साल्ट से एक तरह से कवर करके उसको माइक्रोब से बचाया जा सकता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्या होता है थोड़ा साल्टी हो जाता है, तो वहाँ पे इजीली ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। प्रिजर्व बाई शुगर, देखो शुगर होते हैं जैसे अपने भी कोई, जैसे एक तरह से अपन मार्केट से आंवला लाते हैं, उसमें एक तरह से अपन लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि उसमें शुगर का एक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, तो वो क्या होता है उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाते। जेम्स जेली एंड स्क्वेश आर प्रिजर्व बाई शुगर। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। देखो क्या होता है वो स्पॉइल होने से बचाता है, शुगर है उसका सॉल्यूशन से क्या होता है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और किसी भी चीज़ को स्पॉइल होने से बचाते हैं। प्रिजर्वेटिव बाई ऑयल एंड विनेगार, देखो विनेगार अपन अभी भी देखा था, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगार प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट। देखो अपन एक बात बताओ स्टूडेंट्स सुनिए, कि मैंगो है वो 2-3 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन मैंगो का पिकल लंबे समय तक चलता है, क्यों? क्योंकि अपन उसमें ऑयल ऐड करते हैं, उस ऑयल में माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और वो लंबे समय तक खराब नहीं हो पाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड इन यूज्ड, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक। देखो अपन घर पे मिल्क को गर्म करके रखते हैं कि थोड़े लंबे समय तक वो खराब नहीं हो, क्योंकि गर्म करने से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो खत्म हो जाते हैं। सिमिलरली वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, उसी प्रकार अपन ठंडे एनवायरनमेंट, देखो बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में भी ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो किल हो जाते हैं, और लो टेम्परेचर पर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको उन ग्रोथ के अनुसार न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है उनको। फिर है सन ड्राइंग, सन ड्राइंग दिस, देखो सन ड्राइंग क्या है, दिस इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सन ड्राइंग हेल्प टू रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड। देखो सन ड्राइंग में क्या होता है कि अपन फूड को सन में ड्राई कर लेते हैं, ड्राई फ्रूट सॉरी ड्राई फूड होता है उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है, अगर मॉइस्चर नहीं होगा फूड में तो उसमें बैक्टीरिया इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपन फूड को स्टोर करने से पहले उसको सन ड्राइंग करते हैं, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। ग्रेन्स आर ड्राइड इन सन बिफोर बीइंग स्टोर्ड, मनी वेजिटेबल्स आर आल्सो सन ड्राइड सो दैट दे कैन बी यूज इन ऑफ सीजन। देखो अपन कई वेजिटेबल्स को भी सन में ड्राई करके रखते हैं कि उनको अपन ऑफ सीजन में यूज कर सकें, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, और अपन ग्रेन्स को भी अपन सन में ड्राई करके ही, कंप्लीटली ड्राई होने के बाद भी अपन घर में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि फिर उसमें वो जल्दी से खराब नहीं होता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर में जल्दी ग्रोथ करते हैं, और जब कोई भी चीज़ ड्राई है तो उसमें मॉइस्चर नहीं है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब देखो अभी देखा अपने बॉइलिंग है और ही फ्रीजिंग है, तो पाश्चुराइजेशन क्या होता है? पाश्चुराइजेशन याद रखना स्टूडेंट सिर्फ मिल्क पे लागू होती है ये बात, मिल्क को पाश्चुराइज किया जाता है। पाश्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। देखो कोई भी आप मिल्क की पॉलीथीन खरीद के लाते हो, जैसे कोई भी सरस का मिल्क है, कोई अमूल का है, तो उस पर पॉलीथीन पे हमेशा लिखा होगा कि पाश्चुराइज मिल्क, तो पाश्चुराइज मिल्क का मतलब ये होता है कि वो पाश्चुराइज किया गया है और फिर उसको पैक किया गया कि उसमें वो जल्दी से खराब नहीं हो। आप पाश्चुराइज मिल्क को बिना बॉयल किए भी यूज कर सकते हो। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 700 C फॉर 15। देखो इसमें क्या है कि सात, इसमें स्टूडेंट्स ये
ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, इसको याद रखना, इसको याद रखना, ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एट स्टोर्ड। देखो क्या है कि इसको अपन लगभग 70 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं और फिर वापस कूल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी गर्म नहीं करते हैं। स्टोर बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पाश्चर। देखो मिल्क को सिर्फ क्या किया जाता है, पाश्चुराइज किया जाता है, इसको 60 या 70 डिग्री टेम्परेचर पे लगभग 1 या 2 मिनट मान सकते हो आप, इतनी देर तक गर्म करते हैं फिर वापस तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। और इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पाश्चर ने, याद रखना, लुईस पाश्चर, इट इज कॉल्ड पाश्चुराइजेशन। देखो पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस को पाश्चुराइजेशन बोला जाता है, मिल्क की इस प्रोसेस को पाश्चुराइजेशन बोला जाता है। दीज डेज ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अपन कोई भी चीज़ को पैक करते हैं एयर सील्ड पॉलीथीन में, तो क्योंकि वो सील्ड है, कम्प्लीटली पैक है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं हो पाते हैं और वो चीज़ जल्दी से खराब नहीं हो पाती है। तो स्टूडेंट्स ये थे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड और फूड प्रिजर्वेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।